الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. واجب الاحترام बुजुर्गों, मिल्लत इस्लामी के नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन खवातीन, आप सभी को मेरा इस्लामी तहिया, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुनून और इश्क से मिलती है आजादी। अल्लाह सुब्हानहु तआला की जात से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे इस जमा होने को, कहने और सुनने को कबूल फरमाए और जो भी बातें फायदामंद हो, हमारी दुनिया व आखिरत को बनाने वाली हो, संवारने वाली हो, तो उन पर अमल करने की अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। माज़ा सामईन, आजादी किसी फर्द से, किसी मुजतमा से, किसी इलाके से, किसी जुबान से, किसी मुल्क से, किसी मिल्लत से खास नहीं है। हर जमाने में गुलामियत की जंजीरें तोड़ी गई और हर जमाने में इंसान आजादी की खातिर लड़ता रहा, बिल आखिर उसने आजादी भी हासिल की। इसलिए कि इंसान की फितरत में अल्लाह ने आजादी रखी। अल्लाह सुबहाना हो ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं: इन्ना खलकना الانسان من نطفة امشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا इन्ना هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا। अल्लाह सुबहाना हु तआला ने जहां हमें बिनाई देखने के लिए अता फरमाई है, सुनने के लिए अल्लाह ने जो कान दिए, इस तरह ढेर सारी ताकतें हमारे पास हैं। और अल्लाह फरमाते हैं, इन सारी नेमतों के बाद मैंने इंसान को दो रास्ते दिखाए, इन्ना हदैना हुस्सबी। वाजह दो रास्तों को भी मैंने कर दिया, एक वो रास्ता है जो मेरी जन्नतों तक ले जाता है और एक वो रास्ता है जो इंसान को जहन्नम रसीद करता है। वह अन्नहारा सिराती मुस्तकीमा, और मैंने कह भी दिया कि मेरा जो सीधा रास्ता है वह यही है, इस पे चलोगे दुनिया में भी आजाद रहोगे, कल आखिरत में भी तुम आजाद रहोगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदअउन, तुम्हारा जब नफ्स जिसकी ख्वाहिश करे, जो तुम्हारी तमन्ना हो, जो तुम्हारा डिमांड हो, वो सारे डिमांड्स को अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नतों में पूरी करेंगे।
अगर तुमने ख्वाहिशात की गुलामी की, अल्लाह के अलावा दीगर लोगों की इबादत की, शिर्क की जंजीर को, बिदात की जंजीर को, खुराफात की जंजीर को, नाफरमानी की जंजीर को, दुनिया की मोहब्बत की जंजीर को अगर अपने गले में डाला, तो कल कयामत की जो असल आजादी है उससे भी तुम महरूम कर दिए जाओ। तो इंसान की फितरत में आजादी रची बसी हुई है, इसलिए इंसान किसी का गुलाम रहना पसंद नहीं करता। हां यह जरूर है कि जब रब्बुल इबाद है, जो सारे जहानों का पालने वाला है, खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, उसकी गुलामी करना, उसके ये सारे आजादाना हमारे जो आमाल है उनको कुर्बान कर देना, ये फख्र की बात है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम अब्दुल्ला हैं, किसी और के गुलाम हम नहीं हैं। और ये फख्र की बात है कि अल्लाह सुबहाना हो ताला ने हमें एक ऐसा दीन दिया है कि उसमें हम एक सजदा और एक रब के सामने करते हैं, और वो एक सजदा हमें दुनिया के सारे बातिलान माबूद से, उनके गुलामी से हमें आजाद करते हैं। सुभान अल्लाह, तो कितने खुशनसीब हैं हम। चुनांचे मुअज्जज सामईन, अल्लाह सुबहाना हो ताला कुरान में अपनी नियमतों को याद दिलाते हुए फरमाते हैं, और हमारे उन एहसानात को याद करो जब हमने तुमको कौम फिरौन से नजात बख्शी। बनी इसराइल यहां जो है मुखातब है, वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो वो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रख देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सख्त आजमाइश थी। और तुमने ये भी देखा कि हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया, तुम्हारे लिए हमने दरिया फाड़ दिया और तुम्हें बचा लिया, और फिरौन उसके मानने वालों को तुम्हारे ही आंखों के सामने पानी में दफन भी कर। तो अल्लाह सुबहाना वताला अपनी नियमतों को याद दिला रहे हैं कि किस तरह की सख्त आजमाइश में आप लोग थे, किस तरह की गुलामी में आप झगड़े हुए थे, किस तरह के मजालिम के पहाड़ जो है तुम पर तोड़े जाते थे, तुम्हारे आंखों के सामने पैदा होने वाली तुम्हारी नरीना जो औलाद होती थी, लड़के जो होते थे उनको कत्ल कर दिया जाता, जुल्म जबरदस्ती बेहिसाब की जाती थी, कोई रास्ता भागने का नहीं था। तो यहां हमें जिस बात को याद रखना वो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, यहां कोई फौज तैयार की मूसा अलैहिस्सलाम ने, कोई बड़ी जंग हुई, बगैर जंग के, बगैर फौज तैयार किए अपने नफ्स का मुहासबा हर एक ने किया, अल्लाह का जो डिमांड था, अल्लाह के जो मतलूबात थे उन पर उन्होंने अमल किया, तो बगैर फौज के अल्लाह सुबहाना ताला ने उतनी बड़ी फौज और दौलत रखने वाले फिरौन को अल्लाह सुबहाना ताला गरकाब कर दिया, कोई जंग नहीं। तो अल्लाह सुबहाना ताला जब बचाने पे आ जाते हैं तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती। और आपको मालूम है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 50 दिन पहले क्या हुआ, सूरतुल फील हम पढ़ते ही रहते हैं, अब्रहा की सारी फौज वहां हाजिर थी, बड़े बड़े हाथी थे, उसके पास भी जो है 70,000 लोग थे फौजी, पूरे मुसल्लह थे, और कुफार के पास, अगरचे के कुफार थे उस वक्त कुरैश, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, कोई ताकत नहीं थी, कोई हिम्मत भी नहीं थी कि इस बड़े लश्कर का वो मुकाबला कर सके, लेकिन मामला उन्होंने अल्लाह के हवाले किया, तो देखते ही देखते वो 70,000 फौज क्या हो गई, बिखरी हुई घास की मानिंद जो है खत्म हो गई, लेकिन तो मुअज्जज सामईन
हमें अल्लाह सुबहाना होताला की तरफ पलटना है, अपने नफ्स का महासभा करना है, अपने ईमान की तस्दीक करनी है और अपने आमाल को रोज बरोज जो है सुधारना है, निखार लाना है। ये जो आजादी, ये जो अल्लाह सुबहाना होताला की तरफ से नजात मूसा अलैहिस्सलाम को मिली थी, हम सबको मालूम है कि कौन सा दिन था वो, अभी महीना गुजरा है आपको मालूम है, मुहर्रम की 10वीं तारीख, लेकिन अल्लाह सुबहाना व तआला ने इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के कौम से, उसकी फौज से, उसके चुंगल से अल्लाह सुबहाना व तआला ने आजादी दी, बचाया, नजात अल्लाह सुबहाना व तआला अता फरमाया, लेकिन तो शुक्राने में उन्होंने आजादी का शुक्राना कैसे मनवाया, कैसे मनाया, रोजा रखकर, अल्लाह की इताअत करके, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करके। तो आजादी का मूल्य जो है हमें कैसे चुकाना है, अल्लाह का शुक्र हमें कैसे अदा करना है, हमारी इताअत और फरमा बरदारी और बढ़नी है, ना कि आज जो में आजादी है बल्कि हम पी रहे हैं, ठीक है, और नाफरमानियों में हम मुब्तला हैं, तो ये जो है ये कोई शुक्राना नहीं हुआ। तो माज़ समय अल्लाह सुबहाना तआला का बेपाया हम पर जो है इनाम और इकराम, कि अल्लाह ने हमें एक ऐसे मुल्क में पैदा फरमाया जो बहुत बड़ा है और महल्ले उकू के हिसाब से अगर लें बहुत दुनिया में जो है बहुत माना भी रखता है, और इस मुल्क में अगर आप देखें कि सर सब शादाब मैदान भी आपको नजर आएंगे, दरिया भी आपको नजर आएंगे, पहाड़ों का सिलसिला भी आपको नजर आएगा, रेतीले मैदान भी आपको नजर आएंगे, फूलों के बागीचे भी आपको नजर आएंगे और छह मवासिम जो है इस मुल्क में आपको मिलेंगे, है कि छह मवासिम, और इन छह मौसमों का मजा हम लेते हैं और हर मौसम में अल्लाह सुबहान तआला का शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए कि एक मौसम दूसरे मौसम जैसा नहीं होता, एक मौसम की जो हवा है वो दूसरे मौसम की जैसी नहीं होती, हर मौसम अपनी जगह अपनी अलग जो है खासियत रखता है, चुनांचे इन सारे जो सारी जो नियमतें हैं इसका हमें शुक्रिया जो है अदा करना चाहिए। माज़ा समय बात यह है कि अल्लाह सुबहाना व तआला सारी इंसानियत के लिए जो चाहते हैं वो क्या है, अल्लाह सुबहाना व तआला क्या चाहते हैं सारी इंसानियत के लिए, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अल्लाह सुबहाना व तआला मोमिनों का वली है, उनको अंधेरों से उजालों की तरफ लाता है, अंधेरों से निकालकर उजालों की तरफ लाता है। तो अल्लाह सुबहाना व तआला चाहते हैं, अंधेरे जो है जंजीरें हैं, अंधेरे गुलामी है, अंधेरा जुल्म है, अंधेरा तशद्दुद है, अल्लाह सुबहाना तआला तशद्दुद से रहमत की तरफ लाना चाहते हैं, जुल्म से इंसाफ की तरफ लाना चाहते हैं, गुमराही से हिदायत की तरफ अल्लाह सुबहाना तआला लाना चाहते हैं, चाहते हैं कि इंसान तमाम लोगों की गुलामी से आजाद हो जाकर अल्लाह सुबहाना तआला की बंदगी में अपनी जिंदगी गुजारे। चुनांचे आपको मालूम है रबी बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु जब रुस्तम के पास गए थे अहले ईरान में, ईरान के पास, तो एक फौज के एक आम आदमी थे, कपड़े भी उनके सही नहीं थे और वो बैठे भी मिट्टी पर बैठ गए थे, उनकी जुरात को देखकर वो हैरान से हैरान हो रहा था कि भाई एक आदमी काला कलोटा है, कोई सही किस्म का लिबास भी इसका नहीं है और आकर जो है इस जुरात के साथ हमारे सामने बैठता है। उसके बाद जिस जुरात के साथ उन्होंने बात रखी कि हम तुम्हें मौका देने आए हैं कि हमारे पास इतने दिन ही हैं, अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा पढ़ लेते हो, तमाम गुलामियों से आजादी चाहते हो, तमाम तारीखियों से आजादी चाहते हो, तमाम मजालिम से आजादी चाहते हो तो अहलम वसा, नहीं तो तैयार हो। तो उसने कहा कौन हो फिर तुम कोई बड़े जिम्मेदार हो, कि नहीं मैं एक मामूली फर्द, एक मामूली फर्द इस लहजे में बात करें ये कैसे हो सकता है। तो उस वक्त उन्होंने कहा
لقد ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. यकीनन अल्लाह सुबहानहु तआला ने हमें भेजा इसलिए है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह के बंदों की बंदगी से बचाकर रब की बंदगी में लेकर जाए और दीन के जुल्म से निकालकर इस्लाम के इंसाफ की तरफ ले जाए और दुनिया की तंगियों से निकालकर दुनिया व आखिरत की उसातों की तरफ लेकर जाए। ये बात जब उसने सुना बहुत ताज्जुब उसको हुआ, उसने मशवरा किया भाई के करेंगे क्या। सबने कहा कि भाई इसके औकात क्या है, इतनी जुरात से यह बात कर रहा है, सर इसका कलम कर देते हैं। तो उसने कहा नहीं, उसके लिबास में मत जाओ, उसकी शक्ल पे मत जाओ, देखिए वो कितनी जुरात से बात कर रहा है। उस वक्त उनको तजलील करने के लिए, कम करने के लिए एक टोकरा मिट्टी उनके सर पर रख दिया, बदले कर ये हमारे जमीन की मिट्टी है, यही तुम्हारी सजा। जब सिपह सालार देखते हैं तो कहते हैं कि हम जंग करने से पहले उसकी मिट्टी हमारे पास आ गई। सुभानअल्लाह, देखिए कोई भी चीज जब नेगेटिव पेश आती है तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट कैसा लिया जाता है, एक कायद कामयाब कायद कैसे उसको पॉजिटिव में लेता है, यह हमें सीखना है हमारी तारीख। तो ये हालात हमारे साथ भी पेश आते हैं, हम सिर्फ रिएक्शन में हैं, या नेगेटिव जो है हमारा एक्शन है, अगर एक्शन है भी है तो नेगेटिव एक्शन है। तो माजसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हम उसको पॉजिटिव में लें और उसके बाद जो एक्शन हमें सही में लेना है वो बाहमी मशवरे से लें। ऐसा नहीं कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से ये करे। तो माजसा मई नेमतें अल्लाह सुबहानहु तआला की बेपाया नेमतें हमारे पास हम पर हैं, जिसमें मुल्क भी एक नेमत है, आजादी भी एक नेमत है, आपकी सेहत भी एक नेमत है, आप मालो दौलत भी एक नेमत है कि नहीं। अगर आपके पास घर गाड़ी है वो भी एक नेमत है, मियां बीवी है बच्चे हैं तो वो भी एक नेमत है, रिश्तेदार हैं वो भी नेमत है, वालिदैन जिंदा है वो भी एक नेमत है, यानी कितनी सारी जो है दुनिया की नेमतें हैं। आजू बाजू आप जो थोड़ा उसका हिसाब लगा लें, अल्लाह सुबहानहु तआला फरमाते हैं आपके आजू बाजू की नेमतों के आप हिसाब लगा लोगे, बल्कि तुम्हारे जिस्म में मौजूद इस निजाम पर अगर गहराई से तुम अगर नजर डालोगे। وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, कि अल्लाह सुबहानहु तआला की नेमतें इतनी है कि उसका हिसाब तुम लगाना भी चाहो तुम लगा नहीं सकते, है कि नहीं। وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ, जो कुछ तुमने पूछा है सब अल्लाह ने अता कर दिया, जो नहीं पूछा है वो भी अल्लाह ने दिया। हमारे बाजू में धड़कने वाला ये दिल अल्लाह से हमने नहीं मांगा, अल्लाह ने दे दिया। जिन आंखों से हम देखते हैं ये आंखें हम अल्लाह से नहीं मांगे, अल्लाह ने दे दी। सुनने की ताकत अल्लाह ने दी, कहने की ताकत अल्लाह ने दी, सोचने की ताकत अल्लाह ने दी, है कि सेहत और सलामती अल्लाह ने दी, अमन अल्लाह सुबहानहु तआला अता फरमाया। कितनी नेमतें हैं जो बगैर मांगे अल्लाह सुबहानहु तआला ने हमें दिए, क्या इन नेमतों का शुक्र बजा लाना हम पर जरूरी नहीं है। इन सारी नेमतों के होते हुए फिर हम हमेशा अल्लाह से शिकवा करते रहे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये जरूरत है, हमें वो जरूरत है। तो ये नाफरमानी नहीं हुई, नाशुक्री नहीं हुई, तो फिर क्या हुई। अल्लाह फरमाते हैं कि लैन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आजादी की नेमत आपको मिली है, सेहत की नेमत आपको मिली है, औलाद की नेमत आपको मिली है, वालिदैन की नेमत आपको मिली है, दौलत की नेमत आपको मिली है, घर गाड़ी की नेमत आपको मिली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लो। अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना दिल से अगर हमने कर लिया तो इन नेमतों को अल्लाह सुभान व तआला और अता करेंगे और मजीद इसमें अल्लाह सुभान व तआला बरकत अता फरमाएंगे। और इसी तरीके से तो दुनियावी नेमतें हैं, आखिरी नेमतें कितनी, आखिरत की नेमतें कितनी है, आखिरत की जो नेमतें हैं कितनी हैं। अमल हयात दुनिया इल्ला लाइबु वलह, दुनिया की जो जिंदगी है एक खेल है। मताउल हयात दुनिया, जो दुनिया की जो मता है, दुनिया की जो ऐसा आराइश है, जो आराम है, ये सब क्या है, वक्ती है कि हमेशा रहने वाली दुनिया है, क्या हमेशा यहां रहेंगे हम, हर चीज नहीं।
ये तो दुनिया पानी है, इसके आगे सारी नियामतें जो है ये सब सारी की सारी पना होनी है। तो असली जो जिंदगी हमारी कौन सी है, वो आखिरत की जिंदगी है। तो दुनिया में हम आजादी है, लेकिन असली आजादी कौन सी है, वो आखिरत की आजादी है। इस आजादी को इस्तेमाल करते हुए, इस दुनिया को खेती मानते हुए, अगर हमने सही नेक आमाल की जिरात यहाँ का कर रहे हैं, तो कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह आखिरत वो जो जिंदगी होगी, उखरवी वो जिंदगी होगी, उसमें यही मीठे फल हम छोड़ेंगे। है कि नहीं? यहां अगर हमने ख्वाहिशात की पैरवी की, दुनिया के पीछे जो है गुलामी करते हुए जिंदगी हमने गुजार दी, तो आखिरत की जिंदगी भी हमें बर्बाद हमारी बर्बाद होगी। चुनांचे उखरवी नियमतें अगर आप ले लें, सबसे बड़ी नियमत क्या है कि अल्लाह ने हमसे इस्लाम से ईमान से नवाजा। इससे बड़ी नियमत क्या है, क्या हो सकती है इससे बड़ी नियमत? अल्लाह ने इस्लाम से नवाजा है, ईमान से नवाजा है, कुरान से नवाजा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम उस्ताद है ना, इन्नकल अला खुलुकिन अजीम, उन जैसा कोई दूसरा ही नहीं, ऐसे नबी से हमें नवाजा है, और हमें खैर उम्मा का लकब भी अल्लाह ने दिया है। इतनी सारी नेमत देखिए अल्लाह को बताना पड़े, और उसके बाद अगर आप देखें, आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, नेकी का हुक्म रख रहे हैं, वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन बड़ों का एहतराम कर रहे हैं, बच्चों के साथ शफक के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, हलाल कमाई आप कमा रहे हैं, सदका व खैरात कर रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी पत्ता अल्लाह के हुक्म के बगैर जो हिलता ही नहीं, तो इनका सारे काम हम कर रहे हैं? ये तो वीक किसने दी हमें, ये हिदायत किसने दी? अल्लाह सुभान व तआला ने दी। उमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, जो भी तौफीक मुझे अच्छी होती है वो किसकी तरफ से होती है? अल्लाह सुबहाना हो ताला की तरफ से होती है। लेकिन तो हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, हज को भी जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे वीजा मिला है तो अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद साथी कई साथी देखने को देखते हुए दिल खुश होता है कि हर दो महीने में, तीन महीने में, चार महीने, जिनकी जितनी सहूलत होती है माशाल्लाह उम्र पे जा रहे हैं। ये सारी नियमतें किसकी तरफ से है? ये अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से ही ना। ये सारी नियमतें दुनिया के साथ साथ असल काम कहां काम आएंगे? हमें आखिरत में काम आएंगे। है कि ज़कात हम दे रहे हैं, है कि ये सारी की सारी नियमतें अल्लाह सुभान व तआला आखिरत की नियमतों के तौर पर हमें इनको याद रखना चाहिए। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, यहां इस बात को याद रखें। उसके बाद हमारे मुल्क में अगर आप देखें मुआज़्ज़ज़ सामईन, नौजवानों की आबादी सबसे ज्यादा है, नौजवानों की आबादी सबसे ज्यादा। तो नौजवान जो तबका है ये किसी भी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा होता है। नौजवान जो तबका होता है किसी भी मिल्लत और कौम के मुकद्दर का सितारा कौन होता है? नौजवान होता है। जो ना नौजवानों को चाहिए कि वो होश के नाखून लें, अपनी तारीख को पढ़ें कि हमारे जो आबा व अजदाद थे, हमारे जो असलाफ थे, हमारे जो पुरख थे, वो किस किस किस्म की कुर्बानियां उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए उन्होंने दिया है, किस किस की किस्म की कुर्बानियां हम आज जो अमन की जिंदगी गुजार रहे हैं, चैन सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, इसके लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां उन्होंने दी है, तो उनसे जो है ये इंस्पिरेशन जो है लेना जरूरी है। तो मोहतरम सामईन, यहां एक बात मैं जरूर कहूंगा, वह ये कि हर मुल्क अब फख्र के तौर पर एक कहता है, हर मुल्क कहता है कि हमारी तहजीब, हमारी तारीख जो है सबसे पुरानी। तो हमारे मुल्क के ताल्लुक से हम कहते हैं कि हमारा मुल्क भी जो है 8,000 साल, 10,000 साल, कुछ भी बोल लें कि हमारा मुल्क भी 10,000 साल, 15,000 साल पुराने तारीख रखने वाला है, अच्छी बात। लेकिन हक की जो तारीख है वो कितनी है? मुख्तसर तरीके से आप देखें, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हक को फैलाने के लिए, हक के पैगाम को अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आम करने के लिए 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। कितने? 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह सुबहानहु व तआला ने भेजा। मिनिमम उससे भी तो कम कोई नहीं कर सकता। एक पैगंबर का एक साल भी अगर ले लें तो इस्लाम और मुसलमानों की तारीख कितनी पुरानी है? 1,24,000 पुरानी। तो मुअज्जज़ सामईन, डिफेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से कोशिश, मुसलसल कोशिश होती ही आ रही है खत्म करने की, अल्लाह के नूर को बुझाने की कोशिश होती ही आ रही है। क्या किसी जमाने में ऐसा हुआ है कि मुसलमानों को पूरे तरीके से जो है सफाया कर दिया गया है, मुसलमान पूरी जमीन से खत्म हो गए? किसी भी तारीख के किसी भी मरहले में ऐसे हुआ है?
अब देखिए, चाहे फिरौन का दौर हो सकता है, नमरूद का दौर हो सकता है, अबू जहल का दौर हो सकता है, उससे पहले जो जालिम बादशाह थे उनका दौर होता है, किसी का भी दौर हो सकता है, सबने कोशिश की, सबने पूरी ताकत लगाई। युरीदून लियुतफिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम, कि वो तो चाहते ही हैं कि अल्लाह के नूर को अपने फूंकों से बुझा दे, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं उनकी चाह अपनी जगह, अल्लाह सुभान व तआला अपनी अपना जो चराग है, अपना जो नूर है, उसको तो कयामत तक जो अल्लाह सुभान व तआला रोशन रखेंगे, सुलगाए रखेंगे, चाहे हम रहे ना रहे। तो हमें डिफेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है और एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी मुल्क कितनी भी बड़ी तारीख रखता है, कितनी भी शानदार तारीख रखता है, सबसे शानदार तारीख अल्हम्दुलिल्लाह किसकी है? इस्लाम और मुसलमानों की है, हमारे अंबिया की है। इतने बेहतरीन पुरुष, इतने बेहतरीन युग पुरुष किसी भी मजहब के पास नहीं है, सुभान अल्लाह। 124,000 उसमें सहाबा नहीं है, दीगर बुजुर्गान दीन है, औलिया इकराम है, उनका जिक्र हम नहीं कर रहे। सिर्फ अंबिया हमारे पास जिनको हम नमूना मान सकते हैं वो कितने हैं? सिर्फ अंबिया कितने हैं जी? 124,000 हैं। कोई भी मिल्लत, कोई भी कौम 100 आदमी को दिखा दे कि जिसको सब मानते हो, हरगिज दिखा नहीं सकते। चुनांचे मौजूदा समय यहां हमें जिस चीज की तरफ जो है ध्यान देना है वो ये कि एक शहरी होते हुए, हिंदुस्तानी एक फर्द होते हुए, हम में से हर एक आदमी अपना मुहासबा करे कि एक अच्छा शहरी होने का मतलब क्या है, एक अच्छा शहरी होने का मतलब क्या है, एक अच्छा शहरी कैसे बना जा सकता है। 3 सवाल। एक अच्छा शहरी होने का मतलब क्या है, एक अच्छा शहरी कैसे बना जा सकता है, और 3रा सवाल, क्या मैं एक अच्छा शहरी हूं, क्या मैं एक अच्छा शहरी हूं। चुनांचे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। चुनांचे एक चीनी का कहावत को आप लोगों के हवाले करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। चीनी कहावत है जिसमें कहते हैं कि दुनिया ठीक करने के लिए अपने मुल्क को ठीक करना होगा, अपने मुल्क को ठीक करने के लिए हमें अपने मोहल्ले को ठीक करना होगा, अपने मोहल्ले को ठीक करने के लिए हमें अपने घराने को ठीक करना होगा, अपने घराने को ठीक करने के लिए हमें अपनी जाती जिंदगी को ठीक करना होगा, पहले अपने आप को उसूलों और कवायद और जवाबित का आदि बनाना होगा। बात समझ में आ रही? कोई भी चीज एक ही कदम से शुरू होती है और वो कदम हमारा तरक्की की तरफ होना चाहिए, वो कदम हमारा तहजीब की तरफ होना चाहिए, वो कदम हमारा अच्छाई की तरफ होना चाहिए, वो कदम हमारा अल्लाह की रिजामंदी की तरफ होना चाहिए। ये कदम आप डाल कर दें, देखें कि अल्लाह सुभान व तआला की रहमत कैसे जोश में आती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपने सुना होगा कि आप चलकर जाते हैं अल्लाह सुभान व तआला दौड़ कर आते हैं, आप चलकर जाते हैं तो अल्लाह सुभान व तआला दौड़ कर आते हैं आपके पास। तो कितनी अजीम जात है अल्लाह सुभान व तआला की, कितनी रहीम जात है, चुनांचे इसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। तो माज़ा सामईन, यहां अल्लाह सुभान व तआला ने हम मुसलमानों, खासकर हम मुसलमानों को एक हदफ देकर, एक टारगेट देकर अल्लाह सुभान व तआला ने भेजा है कि टारगेट क्या है? कुन तुम खैर उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत। कब बनोगे बेहतरीन उम्मत? जब तुम अच्छे बनो और अच्छाई की तालीम लोगों को, और जब तुम खुद जो है बुराई से रुको और दूसरों को बुराई से रोको, है कि यही ना अल्लाह सुभान व तआला फरमाया। और साथ में अल्लाह सुभान व तआला की जात में पुख्ता ईमान और अकीदा हमें रखना है, पुख्ता ईमान और अकीदा अल्लाह सुभान व तआला की जात में हमें रखना है, ना कि हमें का हर फर्द का जिंदगी का एक नस्बुल ऐन, एक मकसद जो है उसका होना चाहिए, बगैर मकसद की जिंदगी हमें नहीं गुजारनी चाहिए। लेकिन आज अगर देखें हमारी हालत 170 करोड़ होने के बावजूद बेवजन है, बेविजन है, हम बेवजन भी हो गए हैं और हमारे पास कोई अच्छा खासा विजन भी नहीं है, जिसकी वजह से हम इतिहाद के उस प्लेटफॉर्म पर आ नहीं पा रहे हैं। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान, सिर्फ आजादी नहीं जिसमें हमें रूहानी भी तरबियत हासिल हो, यह असल मकसद है, वरना आजादी की बात करना असल मकसद नहीं है।
चुनांचे बाज़ सामईन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साफ सफाई आधा ईमान, साफ सफाई आधा ईमान है। नबी रहमत अन्नदाफतु शत्रुल ईमान है, जगह कहा दूसरी जगह निस्कुल ईमान का आधा ईमान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो हमें इस फरमान के पस मंजर में अपना मुहासबा करना चाहिए, क्या मैं अपने आप को पाक साफ रख रहा हूं, क्या मेरी सोच पाक है, क्या मेरा दिल साफ है। रब्बना اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا। اختلافات ढेर सारे हमारे दरमियान हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, क़िताल की नौबत भी आ सकती है, लेकिन जब हमारे एक शुबहात दूर होंगे, ये शुकूक दूर होंगे, हमारे दिल को हमें साफ करना होगा, हमारे जहन को हमें पाक करना होगा, हमारे भाई के ताल्लुक से हमारे दिलों में हमदर्दी को हमें जगा देना होगा। बात समझ में आ रही है? चुनांचे हमारा हम मुहासबा करें कि मैं अगर पाक साफ हूं, साफ और सुथरा हूं, तो मेरा घर पाक और साफ सुथरा है क्या? अगर घर पाक और साफ है तो मेरा मोहल्ला पाक और साफ है क्या? अगर मोहल्ला पाक और साफ है तो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ के जाए, यहां तक कि मुल्क तक ये बात पहुंचे और सारा मुल्क जो है सफाई सफाई की अलामत बन जाए। ये हो सकता है अगर आदमी खुद इसको खुद ही से अगर शुरू करता है। सुना के बाद समय आज हमारी हालत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर जो है चमक रहा है, दमक रहा है, सारे किस्म के जो है रंग 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 बिरंगे जो है लाइट्स हम लगाए हुए हैं और खुशबू से है बुखूर इससे उससे जो घर को सजाए हुए हैं, लेकिन घर का सारा कचरा जो है गली में पड़ा हुआ और हम समझते हैं कि उस कचरे के उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? म्यूनिसिपैलिटी वालों की, हुकूमत की। सही, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी समझना ये कहां तक सही है? अगर आप माजी में जाते हैं, जो रिटायर्ड जो लोग हो जाते थे उस वक्त, जो बुजुर्ग हजरात होते थे, वो मोहल्ले की पूरी निगरानी करते थे, मोहल्ले को पाक साफ रहने में वो लोग ध्यान देते थे और मोहल्ले के नौजवान उनका एहतराम करते थे, उनकी बात मानते थे। आज का नौजवान क्या है भाई, चार पैसे किसके पास आ गए वो किसी की भी नहीं सुनता, किसी को खातिर में नहीं लाता, ना ही छोटे उम्र के बच्चों पर उसको शफकत है, ना ही बड़े उम्र के लोगों पर जो है उसको एहतराम का जज्बा है। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हमें ये भी सोचना चाहिए, क्या हम वाकई बेहतरीन शहरी हैं, क्या हम वाकई बेहतरीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं? अगर हैं तो अमल की जो शक्ल है उसमें ये हमें निखर कर सामने आना चाहिए। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन 15 अगस्त आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन हुए हैं, गुजरे हैं, ये वो तारीख है, ये वो दिन है जब हमारा मुल्क गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजाद हुआ था, ठीक है, गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजाद हुआ था। तो ये वो घड़ी है, ये वो दिन है। तो हमें इस दिन को याद रखना चाहिए और इस दिन के लिए जो कुर्बानियां दी गई और कुर्बानी देने वाले गैर मुस्लिम भी हैं, कुर्बानी देने वाले मुल्हिद भी हैं, कुर्बानी देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं। ये फख्र करना छोड़ दें कि हमारी जो फीसद है वो दीगर लोगों से ज्यादा है। सबको हमें लेकर चलना होगा, फख्र करने से हर दूरियां पैदा होंगी, दिल हमारे परागंदा हो जाएंगे। फख्र करना छोड़े, उसको इंस्पिरेशन के तौर पर लें कि हमें हमारे पुरखों ने मुल्क के लिए ये किया है, तो हम नौजवान हैं, हम उसी उम्मत के जो है तो फर्द हैं, उसी मुल्क के जो है तो फर्द हैं कि शहरी हैं, हमारा फरीजा क्या, हमें क्या करना चाहिए। ना कि मुआज़्ज़ज़ सामईन शहीद तुमसे कह रहे हैं, लहू हमारा भुलाना देना, कसम है तुमको अय सरफरोश हो, लहू हमारा भुलाना देना, वुजू हम अपने लहू में करके खुदा के यहां सुर्ख रू हैं ठहरे, हम अहद अपना निभाह चले हैं, तुम अहद अपना भुला ना देना। तो जिम्मेदारी जो उनकी थी
अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बखूबी निभाई। जिम्मेदारी जो हमारी है, इस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। आज हुकूक की मांग हो रही है, डिमांड हो रही है, अच्छी बात है। हुकूक की डिमांड होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए, और उसके लिए हम जो भी दस्तूर के दायरे में रखकर कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन जहां हुकूक की डिमांड है वहां हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। बगैर जिम्मेदारी को समझे ये हुकूक का तलब करना, ये ऐसा है जैसे एक पागल के हाथ में हमने आजादी का पत्थर दे दिया कि वो जिस पर चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे। चुनाच माजर समय याद रखें, वतन की पासबानी जानो इज्जत से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूं। आज नौजवान की का नारा यह होना चाहिए कि मैं मुल्क की हिफाजत के लिए कफन भी साथ रखता हूं। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी भी से भी खुशबुई वफा आएगी। चुनाचे माजा सामई, आज माना कि हिंदुस्तान में खासकर जो अकलियाती तबकात है उनके साथ तशद्दुद जुल्म हो रहा है, खासकर मुसलमानों के साथ और ज्यादा तशद्दुद और ज्यादा जुल्म के वाकयात हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इन वाकयात को, इन तशद्दुद को देखकर हम मायूस हो जाएं, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाएं। हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुबहानहु तआला गुनाहों से भरी जिंदगी रखने वाले अपने बंदों से फरमाते हैं, क्या मेरे बंदो, तुम्हें अपने नफ्सों पर तुमने जुल्म किया है, तुमने गुनाह के पहाड़ अपने ऊपर जो है ढोए हुए हैं, लेकिन तुम मेरी रहमत से मायूस ना होना। तुम अगर तौबा करोगे, इस्तिफार करोगे, मैं सारे गुनाहों को जो है तुम्हारे माफ कर दूंगा, और मैं बड़ा माफ करने वाला हूं, बड़ा ही रहीम हूं। बात समझ में आ रही? चुनाचे हालात कैसे भी हों, इन हालात से निमटने की हिम्मत अगर हम में है तो अल्लाह सुबहानहु तआला हमारी उस हिम्मत को देकर, हमारे उस तवक्कुल को देकर, हमारे उस ईमानी हरारत को देकर ऐसी सबीले निकालेंगे, ऐसे रास्ते निकालेंगे, हम हैरान हो जाएंगे कि इन जो मसाइल, ये जो दलदल मसाइल का मशाकिल का था, कैसे हम इससे बच गए। अल्लाह ने निकाला ना मूसा अलैहिस्सलाम को भी, अल्लाह ने निकाला ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी, अल्लाह सुबहानहु तआला ने आखिरुज़्ज़मान नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, दुश्मन पूरे घर को घेरे हुए थे, लेकिन वहां से बहिफाजत ले जाने वाली जात किसकी थी? अल्लाह सुबहानहु तआला की जात ही तो थी। तो अल्लाह सुबहानहु तआला पर तवक्कुल करें, अल्लाह सुबहानहु तआला पर यकीन रखें, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह इन मसाइल को हल करेंगे, इन मशाकिल को दूर करेंगे। चुनांचे वतन की खुश जरा एड़िया रगड़ने दे, वतन की मिट्टी, वतन की खाक जरा एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। हमें मुल्क बदर होने की जरूरत नहीं है, दूसरे मुल्क में जाकर बचने की जरूरत नहीं है, मुल्क हमारा है और मुल्क के जो मसाइल हमारे हैं, इन मसाइल का हम इसी मुल्क में रहते हुए, इसी मुल्क में दफन होकर तलाश करेंगे और इसका हल तलाश करके ही जो है दम लेंगे। ये एक तो यकीन जो है हमें रखना है। अब एक छोटा वाकया कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। एक बादशाह था, उस बादशाह के पास एक वजीर था। वजीर बड़ा कमीना फसला था, सैडिस था, साइको था, ये आजकल के जो भी अल्फाज है, उसको लोगों को सताना अच्छा लगा। लोग अपनी जो है रोजमर्रा जिंदगी के लिए, तिजारत के लिए एक नदी पर से उनको रोज जाना पड़ता था, और नदी पर एक पुल था, बड़ा पुल, ज्यादातर लोग, क्योंकि उस गांव को पार करके उनको बाहर जाना ही है, तो ज्यादातर लोग हर दिन जो है उसी पुल से जो है जाते थे आते थे। अब इसको शरारत सूझी, इसने कहा बादशाह सलामत, ये लोग ऐसे ही जो है फ्री में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई रोक टोक इनको नहीं है और नेमत का एहसास इनको नहीं है, और इनको ये भी मालूम नहीं है कि बादशाह तुम हो, बहरहाल जो भी बातें करना है उसने कही। उसने कहा कि ऐसा करते हैं हम कि इन पर टिकट लागू करते हैं, यानी टैक्स लागू करते हैं। टैक्स उसने लागू किया और लोग टैक्स दे रहे हैं, जा रहे हैं। उसने कहा कि भाई मैं जो चाहा, मुझे तो ये था कि ये लोग इरिटेट हो, ये लोग तकलीफ महसूस करें, कुछ रोएं, तो कुछ भी करें, उसके बाद मुझे खुशी होगी, लेकिन यहां तो मामला है कि खामोश चले जा रहे हैं। तो फिर उससे बादशाह से उसने कहा कि देखिए ये जो टैक्स हमने रखा है इसका डबल करते हैं। डबल किया फिर भी लोग दे रहे हैं, जा रहे हैं। उसने कहा कि फिर भी मामला नहीं हो रहा है, तो किसने कहा कि चलो इसको फिर बढ़ाते, फिर उसने बढ़ाया, फिर भी लोग आराम से दे रहे, कोई जो एहतियात एहतियात नहीं हो रहा है, कोई एतराज नहीं हो रहा है।
तो उसने कहा कि इतने बेहोश हो गए हैं, अच्छा ऐसा करते हैं कि टैक्स के साथ साथ हर एक को दो कोड़े मारते, तो उसको भी पास करा दिया। अब लोग जा रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं और साथ में दो कोड़े भी खा रहे हैं, लेकिन कोई वहां एतराज नहीं है और कोई जो है वहां उनमें तब्दीली नजर नहीं आ रही। अब वो हैरानी से मरते मरते बचा, जब लोगों को कहते हुए सुना कि मानने वाले कम हैं, मानने वालों को बढ़ा दो, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा, हमें जाकर तिजारत करना। बात समझ में आ रही, अकलमंद है तो इशारा काफी। तो माजर समय मुल्क के जो हालात हैं और लोग जिस तरीके से मुल्क को, हमारा खुद का जो अपना इलाका हो, इसके हालात पर अगर हम नजर डालें ना, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है, मुश्किल पे मुश्किल आ रही है, टैक्स पे टैक्स डाल रहे हैं, अब सारी चीजों को बर्दाश्त 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 करते 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 जा रहे हैं, तो ये कहां तक ये होगा। चुनांचे बात याद रखें, शायर ने बड़ा ही खूब कलाम कहा है, कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती, कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता। कोई कौम अगर बर्बाद होती है, कोई खत्म हो जाती है, तो ये कि उसमें जो रिस्पांस होना चाहिए, जो रिएक्शन होना चाहिए, वो रिएक्शन ही खत्म हो जाता है। जब सोचने की ताकत नहीं और कुछ करने की जो है हिम्मत नहीं, तो फिर वो कौम की जो का मुस्तकबिल जो है रोशन कैसे हो सकता है। यहां मैं हमारे अपने ताल्लुक से हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हर मसलक के लोग हैं, हर मशरब के लोग हैं हिंदुस्तान में, जिसमें हनफी मसलक के लोग भी हैं, बरेलवी मसलक से जुड़े हुए लोग भी हैं, सूफिया भी मौजूद हैं हिंदुस्तान में, अहले हदीस भी मौजूद हैं, और कुछ जमातें जमात इस्लामी से अपना ताल्लुक जोड़ने वाले हैं, और कुछ इदारे नदवतुल उलमा हो सकता है देवबंद, इनसे अपने आप को जोड़ने वाले लोग भी हैं, और उसके साथ साथ शिया हजरात भी हैं। देखिए आप सारे लोगों के सामने तो सब मुसलमान ही है कि, लेकिन मसला यह है कि कोई भी हमारा मसला आता है, हम सब मिलकर मुत्तफिक नहीं होते, हम खुद मुत्तफिक नहीं होते, लेकिन बात होती है कि गैरों के साथ हमारा मामला कैसा हो, गैरों के साथ हम कैसे मिलकर लड़ें, गैरों के साथ हमारे साथ शामिल करें, जब अपनों के हाथ को आप साथ में नहीं ले रहे हैं, उनके साथ आप मशवरा नहीं कर रहे हैं, उनके साथ आप जो उठ नहीं बैठ रहे हैं, इत्तेहाद उनके साथ नहीं हो रहा है, इत्तेफाक उनके साथ नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे गैर आपसे जो है मुत्तफिक होंगे, आपकी जो सत में आकर वो कैसे खड़े होंगे। मुअज्जज समय इसमें नीम जो उलमा है इनका भी किरदारी रोल है, जिसकी वजह से लोगों को मिलने नहीं देते। इसका बड़ा फायदा किसको हो रहा है, जो गेम चेंजर जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो हमें जब चाहे जहां चाहे जैसा चाहे वैसा यूज करते हैं, उसके बाद क्या ठोकर मारकर बाजू फेंक देते हैं। हरवे पाकू बोलते हैं कि खुशबू के लिए सालन में डालो, उसके बाद निकालकर फेंको। चुनाचे माजर समय हमें होश के मनाकुल लेने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो यहां माजर समय एक बात जो मैं आप लोगों के हवाले करके जा रहा हूं, ये कि आपको मालूम है कि राम प्रसाद बिस्मिल, आप सैयद नसीर साहब की किताब में पढ़े होंगे तो कुछ चीजें आपको मालूम होगी, राम प्रसाद बिस्मिल हमेशा जो है उनके लबों पे जुबान पे एक कुछ अशआर होते थे, क्योंकि अशआर का भी बड़ा जो है रोल रहा है आजादी के उस जंग में, है कि नहीं। चुनांचे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसमें आखिर में वो कहते हैं, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में। चुनांचे माजर समय तासुब की खातिर, चाहे मजहबी तासुब हो, मसलकी तासुब हो, जुबानी तासुब हो, इलाकाई तासुब हो, रंग का तासुब हो, कोई भी तासुब हो, ये जो दुराभिमानम जिसको बोलते हैं, ये जो तासुब है, ये तासुब के साथ खड़ा होने वाला जो इंसान होता है, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी मौत जो है ईमान पर नहीं होती, इसलिए कि उसको मालूम है कि जुबानी तासुब नहीं होनी चाहिए, मसलकी तासुब नहीं होनी चाहिए, रंगी तासुब नहीं होनी चाहिए, इलाकाई तासुब नहीं होनी चाहिए, एक मुसलमान को तो मालूम है, लेकिन इसके बावजूद मुतासिब बनकर
अपने ही मसलक के अपने ही मसलक के लोग को वो सच मानता है, अब्बाब मानता है, दूसरे लोगों का आधा मानता है, बल्कि रिश्ता करना हराम कहता है, बल्कि उनके जबीहे को मुशरिकीन के जबीहे से मिसाल देता है। तो माज़ सामईन, इसके कौन से हालात हैं जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। चुनाचे कौमी तासुब हो, लिसानी तासुब हो, ये नफरत का जो बीज है ये बीज बोना हम छोड़ दें। यकीनन आप याद रखें कि हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू या सिख इस किस्म का जो बीज बोने वाला असल आदमी था वो तो हिंदुस्तान से चला गया, ब्रिटिश वाले थे, अंग्रेज थे, उन्होंने ये बीज बोया, वो बीज डाल कर गए और कुछ लोग अब क्या कर रहे हैं, उसी बीज को बराबर पानी डालकर बड़ा बड़ा दरख्त बनाकर उसको खड़ा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो तुखमरेजी हुई है, ये बीज नफरत का जो बीज डाला गया है, इस बीज को जो है उखाड़ फेंकना जरूरी है। चुनांचे माज़ समय हमेशा आप याद रखें कि मुल्क जो हमारा हिंदुस्तान है कोई हमें यहां डरा नहीं सकता, मुल्क जो हमारा हिंदुस्तान है कोई हमें यहां से निकाल नहीं सकता, हमारी जाने यहां जा सकती हैं, हम यहां मदफून हो सकते हैं, लेकिन यहां से बाहर कदम हम नहीं निकालेंगे। चुनांचे आपको मालूम है कि इन्हीं कुछ दिनों में राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हुआ था, आपको मालूम है, उनके कुछ अशआर पेश करके अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने कहा था, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, जो आज साहेब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। तो जो भी है माज़ समय, यहां एक तूफान उठ रहा है, यहां से एक आंधी चल रही है, चुनांचे हमें चाहिए कि हम हालात की संगीनी को समझें और खुद का महासभा दीन और शरीयत की रोशनी में करते हुए मुल्क की सलामती की खातिर, मुल्क के अमन की खातिर, मुल्क की तरक्की की खातिर सोचने वाला जनरेशन, सोचने वाला नौजवान हम बने। अल्लाह सुभान व तआला की जात से दुआ है कि अल्लाह सुभान व तआला जो भी बातें कही और सुनी गई हैं उन सारी बातों पर अल्लाह सुभान व तआला अमल की तौफीक हम सबको अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जो बातें कही थी उसमें अगर हक है तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से है, अगर कुछ गलत और बातिल है मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से है, जिसे मैं अल्लाह सुभान व तआला पनाह में आता हूँ। अल्लाह सुभान व तआला हमारे खताओं को माफ फरमाए, हमारी गलतियों का अल्लाह सुभान व तआला माफ फरमाए, हमारे गुनाह का अल्लाह सुभान व तआला माफ फरमाए, और हमारे आल में, औलाद में, माल में और हर चीज में अल्लाह सुभान व तआला बरकत अता फरमाए, दुनिया व आखिरत में अल्लाह सुभान व तआला सुर्ख रुई हमारा नसीबा बनाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you.